इसके अलावा पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि लोग, आप देखिए अभी गाड़ी में, माशाल्लाह गाड़ी में भी सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों को ये पता है कि ये चीज़ खतरनाक है, उसके बावजूद इसमें सिलेंडर रखा हुआ है। किसकी गाड़ी है ये भाई? आपकी गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी है। पेट्रोल भी तो पहुंच में आ रहा है, फिर एलपीजी का इस्तेमाल क्यों? पेट्रोल की एवरेज क्या है मैडम, आपको पता? मैं आपसे पूछूंगी पेट्रोल खतरनाक है या एलपीजी, आप दोनों में से बताएं क्या कंपैरिजन करती हैं? एलपीजी खतरनाक, क्या पेट्रोल खतरनाक नहीं है? पेट्रोल कैसे खतरनाक है? पेट्रोल को आग नहीं पड़ती। अच्छा पड़ती है तो इसको आग पड़ती है? इसको भी नुकसान नहीं? हमें फायदा नुकसान से नहीं, हमें ये फायदा है कि हमें एवरेज किस चीज़ से अच्छी मिल रही है। अच्छा, और हमारी इकोनॉमी कहाँ पे आ रही है? हाँ। ठीक है, हमें सेविंग कहाँ पे हो रही है? अच्छा। हमारी इकोनॉमी कहाँ पे आ रही है? हमें इसमें इकोनॉमी नजर आ रही है। ठीक है, इसकी एक तो एवरेज अच्छी है। अच्छा ठीक है, दूसरे 25 किलोमीटर का सफर हो जाएगा एक किलो में मेरी गाड़ी करती है। और 1 लीटर पेट्रोल का सफर? 1 लीटर में ये 10 किलोमीटर करती है, 10 से 11 किलोमीटर मेरी गाड़ी करती है। और 1 किलो में मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर करती है गैस में। अच्छा, मैं किसको प्रेफर करूंगा? गैस को प्रेफर करेंगे? मैं गैस को प्रेफर करूंगा, बिल्कुल मैं गैस को प्रेफर करूंगा। कभी टेंशन नहीं होती? नहीं कोई टेंशन नहीं। कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए। भाई साहब की है, जरा कैमरे की आंख। मुझे 20 दिन हो गए हैं गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए। 20 दिन हो गए? जी, पहले पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे। पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा था, पेट्रोल नहीं अफोर्ड हो रहा, मैं क्या करूँ? अभी मैं नारी अड्डे में इससे पहले मौजूद थी। जी बिल्कुल। वहाँ के लोग कहते हैं की इन कैब ने हमारा बिजनेस जो है वो खत्म कर दिया है। तो कैब्स ने दुनिया को तो सहूलत दी है ना, पैसेंजर को सहूलत दी। अच्छा। आपको डोर टू डोर सर्विस मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? और सस्ती में मिल रही है। वही अगर आप स्पेशल में सालम रिक्शा करवाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट का, आपको 2000 से कम कोई रिक्शा नहीं लेके जाएगा। आपको 700 में 800 में 1000 में मैक्सिमम एसी के साथ आपको लेके जा रही, कम्फर्टेबल ड्राइव के साथ। और क्या चाहिए आपको? आपने कहा कि 20 दिन हो गए एलपीजी इस्तेमाल कर जी, और मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। मुतमईन है? मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। आपने कभी नहीं देखा कि सिलेंडर की वजह से धमाके होंगे? आपने कभी नहीं देखा कि पेट्रोल की वजह से कहाँ कहाँ पर धमाके होंगे? पेट्रोल से मुझे आप मीडिया वाले हैं, आपसे पूछ रही हूं, आप मीडिया पेट्रोल से बता रहे हैं? आपने सीएनजी वालों के, एलपीजी वालों के अगेंस्ट आपने ये अपनी मुहिम चला दी? आपने कभी नहीं, मैंने हुकूमती मुहिम लेके आई। आपने, आप जिसके अगेंस्ट भी चल रही हैं, आप ये देखें पेट्रोल की कीमत अब कहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रही है? बहुत ज्यादा पेट्रोल की कीमत, उसकी ऊपर उसके ऊपर। अच्छा, पेट्रोल इस वक्त 275 है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, ये भी 275 है, ये 260 290 पे 300। फर्क कितना रह गया फिर? फर्क अब आप मुझे बताएं, आपकी गाड़ी पेट्रोल में कितनी एवरेज किलोमीटर चलती है? मेरी गाड़ी को छोड़े, मेरी गाड़ी पेट्रोल में 12 किलोमीटर करती है एक लीटर में। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे 260 पेट्रोल 275, 10-15 का फर्क आप सेम भी लगा लेना, 10-15 का फर्क। ये 300 भी मिल रही है मुझे, ये 300 में भी जो ना वो अफोर्डेबल, यानी अफोर्डेबल चीज देखनी है, जान नहीं देखनी? जान की मैडम, आप पेट्रोल भी आपको गारंटी है? चलता रिक्शा आपने कभी? पेट्रोल भी आपको गारंटी है कि उसमें नुकसान कोई नहीं है? तो फिर पेट्रोल पंप सारे बंद करवा दे, बंद करवा दे, एलपीजी पे बंद करवा दे, बंद हो जाने चाहिए क्योंकि ये हमारी अफोर्डिंग से बाहर है। अच्छा, पेट्रोल इस वक्त हमारी अफोर्ड से बाहर है। ठीक है, इस वजह से इसको बेशक बंद करवा दे। आपको कंपेन चलाए ना ऐसे, पहले जो पेट्रोल की कीमतों के बारे में आप करवाएं, जो भी करवाना है। मैं ये पूछ रही हूँ भाई, जो पहले पेट्रोल इस्तेमाल करते थे, हाँ, तो पहले भी उस वक्त मेरे एक्सपेंस काम थे जी, राइट मिलती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था? नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा था उसमें, जितने का पेट्रोल लगता था वो तकरीबन कहा है कि आप एलपीजी पे आ जाएं? किसी कंपनी ने नहीं कहा, मेरी अपनी, मेरा अपना डिसीजन है ये, यानी आपने पेट्रोल डलवाना है? मैंने फर्क देखा है, आपने अपने बजट से डलवाना है? मुझे जी, मैंने फर्क देखा है कि मुझे किस चीज में ज्यादा सेविंग हो रही है। ठीक है, मुझे वो अफोर्ड एलपीजी में सेविंग, एलपीजी में सेविंग हो रही है। लेकिन जो सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है वो पता है कि वो अच्छा सिलेंडर है या ओगरा की तरफ से जो सिलेंडर कहा गए थे वो सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर है? क्योंकि ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड है सिलेंडर। अब हम तो किसी भी चीज की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो में कैसे हम लोग क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसकी गारंटी खुद दे सकते हैं सिलेंडर बिल्कुल ठीक है? आप मुझे, मैं गारंटी देता हूँ मेरे सिलेंडर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या गारंटी देंगे? क्या गारंटी दूं, लेकर दूं आपको? पेपर पर क्या गारंटी देंगे? मैं क्या गारंटी कैसे होती है? आपको रोक लिया जाता है, कहीं नहीं चेक किया जाता कि आपकी गाड़ी सिलेंडर वाली है या पेट्रोल पे चल रही है? नहीं कोई नहीं चेक करता, कहीं भी कोई नाकाबंदी नहीं, पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, कुछ नहीं चेकिंग होती, कुछ भी चेकिंग नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका।